नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं कीर्ति लेकर हाजिर हूं ब्रेकिंग बैक टू बैक। तो इस वक्त की पहली बड़ी खबर दिल्ली से सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, बदमाश कुलदीप फजा का हुआ एनकाउंटर। दिल्ली के रोहिणी इलाके में छुपा था कुलदीप, जीटीबी अस्पताल में हुआ था फरार। तो दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां एक बदमाश को मारने में पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। बदमाश कुलदीप फजा का एनकाउंटर दिल्ली पुलिस द्वारा किया गया है। रोहिणी इलाके में छुपा हुआ था कुलदीप। बता दें कि जीटीबी अस्पताल से फरार चल रहा था। अगली बड़ी खबर इस वक्त की कोरोना से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां देश में विकराल रूप लेता जा रहा है कोरोना। बीते 24 घंटों में सामने आए 62,000 से अधिक मामले। बीते 24 घंटे में 312 लोगों की हुई मौत। देश में एक्टिव केस की संख्या बढ़कर हुई 486,310। तो देश में लगातार कोरोना बेलगाम होता जा रहा है। 24 घंटे में 62,714 मामले दर्ज किए गए, वहीं 312 लोगों की मौत भी हुई है कोरोना के चलते। अगली बड़ी खबर इस वक्त की बंगाल से सामने आ रही है। टीएमसी नेता छत्रधर महतो गिरफ्तार, देर रात लालगढ़ से किए गए गिरफ्तार। 2009 राजधानी एक्सप्रेस केस पर हुई कार्रवाई। तो पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां टीएमसी नेता छत्रधर महतो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। लालगढ़ से देर रात को वो गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं बता दें 2009 राजधानी एक्सप्रेस केस पर ये कार्रवाई के तहत उनकी गिरफ्तारी की गई है। अगली बड़ी खबर म्यांमार से सामने आ रही है। म्यांमार में सेना की दिखी क्रूरता, सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष। प्रदर्शन कर रहे 100 लोगों को गोलियों से भूना। म्यांमार से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सेना की क्रूरता साफ तौर पर देखी गई है। सेना और प्रदर्शनकारियों के बीच खूनी संघर्ष का मामला सामने आया, जहां 100 लोगों को गोलियों से भूना गया। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। ना हिंदू में हूं, ना मुसलमान में हूं, मैं हिंदुस्तान हूं, हर इंसान में मैं हूं। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूं। सुबह की प्रार्थना में हूं, शाम की आजान में हूं, रविशंकर की सितार की आवाज में हूं, बिस्मिल्ला की शहनाई की गूंज में हूं, हमीद की दहाड़ में हूं, भगत के बलिदान में भी मैं हूं, नवरातों के व्रत में हूं, रोजे और रमजान में मैं हूं, हां पूरे हिंदुस्तान में मैं हूं। हां, समस्त जनपद वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, और केमिकल युक्त रंगों से होली मत खेलें, और फूल वूल से अपना होली खेलें। अगर आँख में कुछ चीज़ आती है, कुशल नेत्र विशेषज्ञ को दिखाएं। मैं आरके वर्मा, नेत्र परीक्षण अधिकारी, जिला सैनिक चिकित्सालय औरैया। मैं डॉक्टर उमा शंकर, होली के पावन पर्व पर मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ग्रामवासी, नगरवासी, बंगाल पूरे देश को मैं होली के पर्व पर कोरोना काल में सब लोग दूरी बनाए रखें, मास्क लगाएं, और सबको बताएं कि सब लोग मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, और रंग से ना खेलकर फूलों को होली खेलें। यही सबके साथ तो मैं साथियों, मैं डॉक्टर रजीमा शाह, जिला कांग्रेस कमेटी उपाध्यक्ष हरदोई। होली के शुभ अवसर पर आप सबको
होली की हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। राधा का रंग हो और कन्हा की पिचकारी, प्यार के रंग से रंग दो ये दुनिया सारी। ये रंग न जाने कोई जात, न जाने कोई बोली। मुबारक हो आपको रंगों का पर्व होली। जय जय कांग्रेस। नमस्कार, मैं अंकित सिंह चिठिया धनवार गैस एजेंसी परिवार की तरफ से अपने समस्त सम्मानित ग्राहकों, क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को हिंदू नववर्ष एवं होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूं कि कोरोना की संकट घड़ी में इस त्यौहार को संयम और सावधानी पूर्वक मनाएंगे। आप लोगों से यही उम्मीद है। सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद। डॉक्टर संजीव निरंजन की ओर से सभी देशवासियों को रंगों के त्यौहार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। खबरों के अंदर की पूरी खबर, हर खबर की सटीक पड़ताल, आपका भरोसा हमारी जिम्मेदारी। सच, साहस और सरोकार, यही है हमारी पहचान। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको लखनऊ से बता रहे हैं। होली को लेकर पुलिस प्रशासन सख्त, कोरोना को लेकर भी दिए सख्त निर्देश। होलिका दहन स्थल पर पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, नशे में गाड़ी चलाने वालों पर होगी कार्रवाई। हुड़दंग मचाने वालों पर भी रहेगी पुलिस की नजर। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां होली के त्योहार को मद्देनजर रखते हुए पुलिस प्रशासन सख्त नजर आ रहा है, वही ड्रिंक एंड ड्राइव केस में भी लोगों पर सख्त कार्रवाई हो सकती है। अगली बड़ी खबर कानपुर से सामने आ रही है, कार्डियोलॉजी के आईसीयू में लगी आग, सभी मरीजों को निकाला जा रहा है बाहर, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद, मरीजों का सड़क पर चल रहा इलाज, एक मरीज की हुई मौत। तो कानपुर से बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे, वहीं अगली बड़ी खबर लखनऊ से सामने आ रही है, होली और शबे बारात को लेकर पुलिस अलर्ट, ऐशबाग रामलीला मैदान में मीटिंग आयोजित, कमिश्नर ने जारी किए दिशा निर्देश। लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां आज होलिका दहन है वहीं शबे बारात भी है, इसको लेकर किसी तरह का विवाद ना हो, आपस में लोगों की झड़प ना हो, उसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया है। चौराहे चौराहे पर पुलिस पुख्ता इंतजाम किए गए हैं पुलिस द्वारा, वहीं कमिश्नर ने भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं कोरोना को लेकर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां मध्य प्रदेश में बेकाबू हुआ कोरोना, सरकार ने जारी किए आदेश, प्रदेश के 12 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन, भोपाल इंदौर में सामूहिक होलिका दहन पर भी प्रतिबंध। तो मध्य प्रदेश में जिस कदर कोरोना बेकाबू हो रहा है, उसको लेकर सरकार ने आदेश जारी कर दिए, 12 शहरों में संपूर्ण लॉकडाउन। वहीं अगली बड़ी खबर झारखंड से सामने आ रही है, झारखंड के गिरिडीह के एक घर में धमाका, एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, तीसरी थाना पुलिस कर रही जांच, सिलेंडर से ब्लास्ट की आशंका। झारखंड से बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बड़ा हादसा हो गया है घर में, सिलेंडर फटने से हादसा, 4 लोगों की मौत हो गई है वहीं परिवार के। वहीं अगली बड़ी खबर गुरुग्राम से सामने आ रही है, निर्माणाधीन फ्लाईओवर का स्लैब गिरा, द्वारका एक्सप्रेसवे पर बन रहा था फ्लाईओवर, राहत और बचाव कार्य जारी।
वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, गुजरात से लेकर अरुणाचल तक, सत्ता के गलियारों से खेल के मैदानों तक नहीं छूटती कोई खबर। सबसे सटीक, सबसे दमदार, सिर्फ प्राइम टीवी पर। हरी मोहन प्रधान केलिया एवं सूर्यांशु निरंजन केलिया की ओर से आप सभी लोगों को होली एवं नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं व बधाई। मैं हाजी जिया उल्लाह हाजी जिया, कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी कानपुर महानगर, अपने विधानसभा के विधायक आदरणीय अमिताभ वाजपेयी जी की जानिब से इस कानपुर शहर की सरजमी जो कि मौलाना हजरत मोहानी और गणेश शंकर विद्यार्थी की पहचान के नाम से जानी जाती है, सभी नगर और शहर व देहात ग्रामीण सभी नगरवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ पेश करता हूँ और बधाई देता हूँ। आप सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि ये होली का त्यौहार आपस में मिलन का त्यौहार है, आपसी भाईचारे से जैसे सदियों से हम लोग मनाते चले आए हैं उसी तरीके से मनाएं और उसी हर्षोल्लास के साथ मनाएं, लेकिन कोरोना वायरस को ध्यान में रखते हुए उचित दूरी, मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें और ईश्वर से ये कामना करते हैं कि सभी भाइयों का ये त्यौहार हर्षोल्लास के साथ जैसे मनता चला आया है आगे भी उसी तरीके से हम लोग कल के आज के दिन में इस होली को उसी खुश उसकी चौगुनी खुशियों के साथ मनाएं और ईश्वर से कामना करते हैं कि ये होली के त्यौहार के साथ कोरोना वायरस भी हमारे देश से चला जाए। मैं राशिद अली वैस प्लास्टिक स्टोर से तमाम देश कानपुर वासियों और देशवासियों को होली और ईद की शुभकामनाएं देता हूं। नमस्कार, होली व नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी क्षेत्रवासियों को। मैं लालू मिश्रा आपका अपना मौजा गुराई मैनपुरी प्रधान पद प्रत्याशी हूं एवं जनता से निवेदन है कि मुझे बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। मैं हमेशा सभी का साथ दूंगा, कोई भी गलत काम होगा उसका साथ मैं न दे पाऊंगा एवं फिर विनती करता हूं एक बार अपना बहुमूल्य वोट देकर विजयी बनाएं। नमस्कार, मैं सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को होली की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूं। मैं राज ठाकुर सुगांव ब्लॉक जागीर से ग्राम पंचायत रामपत के उम्मीदवार हूं। मेरी सभी ग्रामवासियों से अनुरोध है कि हमें एक बार मौका दें, हम उनके साथ हैं। सरकार की तरफ से कोई भी योजना आती है ऊपर से मैं जनता के बीच में लाऊंगा और टाइम से काम करूंगा। बस मेरा अनुरोध है सभी जनता से, हमारा साथ दें, हम उनके साथ हैं तन मन धन से। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, समस्त ग्राम सभा अंचना के सम्मानित मतदाताओं को होली एवं नवरात्रि के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उदय प्रताप सिंह उर्फ मोनू चौहान, मेरी पत्नी नीलम चौहान जो कि इस बार ग्राम सभा मंचना से प्रधान पद की प्रत्याशी, मेरा समस्त सम्मानित मतदाताओं से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप अपना वोट रूपी आशीर्वाद देकर मेरी पत्नी नीलम चौहान को विजयी बनाएं। मेरा वादा है कि आज तक क्षेत्र में जो भी कार्य अधूरे पड़े हैं उन्हें मैं प्राथमिकता से कराऊंगा। क्षेत्र का चारों तरफ चौहुंकी विकास होगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, सबको अजमाया बार बार, हमको अजमाए एक बार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। न हिंदू में हूँ न मुसलमान में हूँ, मैं हिंदुस्तान हूँ, हर इंसान में मैं हूँ। हिमालय पर्वत जैसा विशाल, गंगा सा अविरल मैं हूँ। सुबह की प्रार्थना में हूँ, शाम की आजान में हूँ। रविशंकर की सितार की आवाज में हूँ, बिस्मिल्ला की शहनाई की गूंज में हूँ। हमीद की दहाड़ में हूँ, भगत के बलिदान में भी मैं हूँ। नवरात्रों के व्रत में हूँ, रोजे और रमजान में मैं हूँ। हाँ, पूरे हिंदुस्तान में मैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। करते हैं शुरुआत और इस वक्त की बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आ रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की कार्रवाई, अवैध शराब की 300 बोतल बरामद, पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार। मसूरी थाना क्षेत्र के एनएच 9 का मामला, बड़ी खबर हम आपको इस वक्त की गाजियाबाद से दिखा रहे हैं, जहां अवैध शराब के खिलाफ आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस कार्रवाई को करते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि 300 बोतल भी अवैध शराब की बरामद की गई है पुलिस द्वारा। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मथुरा से सामने आ रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी वीरपाल सिंह हटाए गए, शिक्षकों को स्कूल आवंटन में थी कई गड़बड़ी, बेसिक शिक्षा निदेशक के कार्यालय से संबंध। वहीं अगली बड़ी खबर इस वक्त की मुजफ्फरनगर से सामने आ रही है। गुब्बारा बेचने के दौरान दर्दनाक हादसा, गुब्बारे वाला सिलेंडर फटने से हादसा, सिलेंडर फटने से 4 लोग गंभीर रूप से घायल, घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मुजफ्फरनगर से हम बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां गुब्बारा फुलाने वाले सिलेंडर फटने से बड़ा धमाका हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। माफ कीजिएगा, 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर इस वक्त की अलीगढ़ से सामने आ रही है। शराब के नशे में युवकों में झगड़ा, युवक ने डब्बों में भरकर फेंका तेजाब, हमले में आरोपी समेत 5 लोग झुलसे, ऊपरकोट कोतवाली क्षेत्र की घटना। तो नशे में धुत कुछ लोगों के बीच विवाद हुआ। कुछ युवकों के बीच नशे की हालत में झगड़ा हुआ, जिसमें एक दूसरे पर तेजाब फेंका गया, जिसमें आरोपी समेत 4 लोग बुरी तरह से झुलस गए हैं। वहीं अगली बड़ी खबर आगरा से इस वक्त की सामने आ रही है। त्योहार को लेकर डायवर्जन व्यवस्था लागू, पुलिस ने जारी किए निर्देश। कल सुबह 10 बजे तक शहर में रहेगा डायवर्जन, तो शहर में 4 बजे से भारी वाहनों का प्रवेश बंद। ब्रेकिंग बैक टू बैक में फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। आपका ही मत जाएगा। स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए और होली रंगों से मनाइए, खुशियों से मनाइए। हैप्पी होली टू ऑल।